ये जो फोकस मिरर से सॉल्ट मेल्ट करना फिर उसकी स्टीम बनाना वो वो एक कहानी आ, पावर टावर में सारा फोकस करके बड़े बड़े टावर लगा के फिर उनको कलेक्ट करना फिर उनसे स्टीम बनाना फिर उनसे बिजली बनाना वो एक अलग कहानी लेकिन उसमें आप देखें सारे इसमें स्टेप्स लग रहे हैं दो तीन चीज़ें स्टेप्स हैं उसके अंदर तो हर स्टेप में जैसे हमने बार बार कहा कि उसके अंदर एफिशेंसी कम होती जाती है हर स्टेप में तो क्या ऐसा कोई तरीका हो सकता है कि जिससे कम से कम स्टेप्स में इसको कन्वर्ट सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए तो उसका एक सबसे अच्छा तरीका जो अब मौजूद है हमारे पास इस पर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है फोटो वोल्टेक्स कि सोलर सूरज की लो सूरज को लेकर डायरेक्टली कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिसिटी uh, के अंदर ठीक है तो ये ये डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिसिटी इसको फोटो वोल्टेक्स कहते हैं फोटो सन से वोल्टेक्स इलेक्ट्रिसिटी से जितना सूरज हमारे पास मौजूद है उसके बारे में तो पहले भी आपको बताया कि वो इतना सारा है कि उसको थोड़ा बहुत भी कन्वर्ट कर लें तो काफ़ी उससे एनर्जी मिल सकती है तो फोटो वोटेक की एक बड़ी ख़ूबसूरती ये है कि वो बड़े से बड़े इंडस्ट्री के अंदर और छोटे छोटे झोंपड़ी तक के हर जगह पहुँच सकती है क्योंकि क्या चाहिए जैसे मैंने आपको एक पहले मॉड्यूल में बताया था कि मेरे घर के पास जहाँ मैं ठहरा हूँ वहाँ पर एक जूस वाला है उसने ऊपर एक फ़ोटो वोल्टेक वो वो लगाया हुआ कन्वर्टर अब वो वहाँ से सारा उसका काम चल रहा है एक भी एक बैटरी लगाई हुई है उससे चार्ज करता है बैटरी सारा दिन रात को सारा दिन उसका काम चलता रहता है तो इस किस्म की एप्लीकेशन भी है और उससे बड़ी कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में अब मैं आपको इस ए, इसके मॉड्यूल के एंड में दिखाऊंगा एक तस्वीर के कितना बड़ा बिलियंस ऑफ़ डॉलर्स का बिजनेस है तो यकीन उसके पीछे इंडस्ट्री कितनी बड़ी होगी तो ये तमाम तो चीज़ें उसके अंदर कवर हो सकती हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो इस इसके जो डिमांड एंड में आती है ना तो उसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा होती चली आ रही है पहले तो लोग कहते थे कि जी इतनी महंगी है इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा है अभी भी है इन्वेस्टमेंट उसमें लेकिन जो आखिरी प्रोडक्ट जो आती है ना लेवलाइज कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो उसका नंबर आता है वो बिल्कुल वो नंबर जो है बिल्कुल आसपास है जैसे कोल जला के आप बिजली बना लें या गैस जला के बिजली बना लें या इवन हाइड्रो इलेक्ट्रिक से आप जो बिजली बना लें उसके आस इसका नंबर आ जाता है तो अब वो वहाँ तक के पहुँच गई ग्रेट पैरिटी जिसे कहते हैं तो अब अब क्या बाकी बचा फिर वो कुछ मसाइल हैं जगह का मसला होता है रिसोर्सिस का मसला है थोड़ा वो सब आहिस्ता आहिस्ता करके सब ठीक होते जा रहे हैं तो वो बढ़ती जा रही है इंडस्ट्री यकीन काफ़ी बड़ा इम्पेक्ट है इसके ऊपर ये और विंड एनर्जी दोनों मिला के तो ये ये डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनटू ऑफ सोलर लाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी थ्रू थ्रूटो इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज हैपेंड इन द लास्ट ट्वेंटी इयर्स और उसकी वराइटीज़ भी बहुत सारी हैं लेकिन एक सबसे बड़ा uh, अलमिया ये है कि uh, हमारे पास सिलकन नहीं है प्योर सिलेकन नहीं है हमारे में जो ज़रूरत है बनाने की और भी चीज़ों की बनती है सोलर सेल लेकिन अब तक नब्बे पचानवे फ़ीसद सोलर सेल जो है ना वो सिलकन से ही बनते चले आ रहे हैं कोई इधर उधर थोड़ा बहुत कैडमियम सल्फाइड कॉपर इंडियम गैरियम डाइसेलनाइड या प्रोफ्सकाइड सोलर सेल्स ये सब हैं छोटे मोटे इधर उधर लेकिन जो नाइनटीन नाइन्टी जो है वो अभी तक सिलिकन से ही चलता चला रहा है उन्नीस साठ की बात है अब वहाँ से अभी तक के साठ साल हो गए लेकिन वही चलता आ रहा है तो वो सिलिकन जो है ना हमें प्योर सिलकन नहीं मिलता दुनिया में कहीं भी वो सिलिकन इतना उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इतना ज़्यादा होता है कि वो आ, बड़ी बड़ी जल्दी ऑक्सीडाइज होता है और वो फिर जो हमें मिलता है वो सिलिकन ऑक्साइड होता है सिलिकन नहीं होता सिलकन ऑक्साइड की कोई यूटिलिटी नहीं है फोटोवोल्टेक्स के अंदर तो अब सिलिकन एक ये आयरन ही है कि सिलिकन ऑक्साइड को सिलिकन बनाने के लिए हमें फॉसल फ्यूल दरकार है जो कोयले की बात हो रही है जो ऑयल की बात हो रही है जो गैस की दर, दर, दर बा, बात हो रही है उसके बगैर हम सिलिकन ऑक्साइड को सिलिकन में कन्वर्ट नहीं करते जैसे इस स्लाइड में आपने ऊपर देखी वो इक्वेशन एस आई ओ टू को अगर कार्बन से मिलाएंगे तो सिलिकन बनेगा और उसके बाद देखें सिलिकन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा तो ये एक बड़ी बात है तो उसमें एक अच्छी बात यह कि अगर ये बात समझ में आ जाए ना तो कम अज़ कम ये फैसला हो कि जो हमारे पास अभी कार्बन है थर का कोयला है और ये है वो है उसको जला के इलेक्ट्रिसिटी बनाने के बजाय उसको पड़ा रहने दें उसको लेके फिर सिलिकन, सिलिकन से सिलिकन ऑक्साइड से सिलेिकन बनाए और सिलिकन से सोलर सेल बनाए एक मरता जल गया तो वो तो कोयला चला गया एक मरता सिलिकन बन गई तो कम से कम 20-25 साल तक के वो एक सोलर सेल तो चलता रहेगा है ना फिर वो आगे आगे उसकी जरूरत पड़ती रहेगी कार्बन की कार्बन भी खत्म हो गया सोलर सेल भी नहीं है तो फिर क्या करेंगे तो ये एक उसकी कार्बन बहुत जरूरी है उस चीजों के लिए तो ये अब ये जो जो कार्बन बनता है कार्बन इसके जो सिलिकन वो जो लेफ्ट साइड पे आपने देखा ना वो ऐसे मेल्ट करके उसको पुल करते हैं तो वो जो बिल्कुल हाई क्वालिटी सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन जो आ जाती है उसके अंदर वो इस तरह एक जो ये पूरा बोतल की तरह शक्ल जो, जो बनी हुई है ये एक बोल कहते हैं बी ओ यू एल ई बोल अब उसको फिर स्लाइस करके उसके वो टुकड़े बनाते हैं उन टुकड़ों से फिर उसको सोलर सेल बनाते हैं ये एक तरीक़ा है दूसरा तरीका थिन फिल्म वाला भी है जो कि ज़रा मुख्तलफ है वो भी अभी तक का अभी काफ़ी उसमें कामयाबी हो रही है लेकिन जो जो पूरा जो सिंगल क्रिस्टल या पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल जो सिलिकन से बनता है उसका तरीका ये है जो राइट साइड राइट साइड पे आप देखेंगे ना वो सारे सोलर सेल उन्होंने पूरे डिजाइन किए हुए हैं उसके अंदर तो इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और उसमें कुछ बुरी बातें भी हैं और बुरी बातें ये है कि अभी तक के तो बहुत महंगी थी फोटो वोल्टेज की बिजली अब जाके थोड़ा सा उसमें इतनी इतनी हो गई कि कंपेरेटिव हो गया है कैपिटल एक्सपेंसिव अप्रंट जो है वो अभी तक उसमें काफ़ी ज्यादा है एक घर के लिए जो बिजली तैयार करने की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए सारे घर की छत की इतने एरिया की जरूरत पड़ती है ना क्योंकि सारा एब्जॉर्ब करना है सारी सोलर लाइट तो जगह की जरूरत काफ़ी पड़ जाती है आपने देखा कितने बड़े बड़े प्लांट उन्होंने लगाए हुए थे तो ये बहुत सारी चीज़ें एक सबसे बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर सूरज नहीं है तो सूरज की फोटो नहीं है बादल आ गए रात हो गई कुछ भी हो गया तो तो ख़त्म हो गई या किसी ऐसी जगह आप रहते हैं जहाँ ही छावई है तो वहाँ तो नहीं बन सकती तो वो वहाँ क्या करेंगे तो अगर रात का काम है सूरज का काम है तो ये उसमें ये हो सकता है कि आप उसमें एक आ, एक ऐसी जगह ऐसी चीज़ लगा दें जिससे स्टोर हो सकती है मसलन बैटरी बैटरी लगा के आप उसमें स्टोर कर लें फिर रात को इस्तेमाल कर लें बैटरी लगाने से फिर वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ जाती है मैं आपको टेबल दिखाऊँगा कि कितना अफेक्ट पड़ जाता है कॉस्ट में और भी तरीक़े हैं हाइड्रोजन बना लें उससे ग्रीन हाइड्रोजन की जैसे आजकल कहानी लोगों ने काफ़ी शुरू की हुई है कंप्रेस्ड एयर कर लें उसको इस्तेमाल कर लें बाद में तो वो सब चीज़ें स्टोर करने की लेकिन वो स्टोर करना ज़रूरी है वो चौबीस घंटे मैसर नहीं है ये ये आ, और फिर ये जो अभी मैंने बात की ना कि इसको बना सोलर सेल बनाने के लिए कार्बन की ज़रूरत है इसका मतलब ये वही पोल्यूशन के जो एक है आसपेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का वो कम तो हो जाएगा ख़त्म नहीं हो जाएगा ख़त्म नहीं हो सकता लेकिन वो फिर हमें उस फॉसिल फ्यूल की ज़रूरत ज़रूर है जो ये चलता रहेगा अच्छी बात यह है कि अब अब आजकल जो है जैसे मैंने पहले बताया कॉस्ट इतनी कम हो गई कि बाकी जो चीप से चीप एनर्जी है उसके मुकाबले में आ गई है तो अब देखें कितनी बड़ी बात है ये फिर ये कि अगर कोई पिंडी भटिया में है वहां पर उनको बिजली चाहिए तो ये नहीं कि पूरा तार डालेंगे आप गुद्दू बैराज से या तरवेला डैम से या मंगला डैम से वो तार डालने की जरूरत नहीं माइक्रो ग्रिड छोटा सा अपना स्टेशन पावर स्टेशन वहाँ बना लें और सब जगह सप्लाई कर दें तो छोटी छोटी जगह से एक घर से लेके दस घर से लेके एक हज़ार घर से सारी चीजें इनकी इंटीग्रेट हो सकती है इसके अंदर तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए कि लोकली ग्रो करके और लोकली सप्लाई करें जो कि हर जगह नहीं हो सकता बिल्कुल क्लीन एनर्जी सोर्स है इसमें बनाते वक्त तो यकीन कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं निकलती निकलती ज़रूर है लेकिन ऑपरेशन में जैसे न्यूक्लियर का भी यही है कि बनाते वक्त बहुत कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है लेकिन जब इस्तेमाल होता है तो उस वक्त कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती इसके अंदर ये जो बैटरी बैकअप का सिस्टम इन्होंने काफ़ी डिज़ाइन कर लिया है और अभी इसमें काफ़ी इनोवेशन आ रही है और मुमकिन है कि कुछ मुस्तबल करीब में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बैटरी भी इतनी चीप हो जाए कि बैटरी असिस्टेड पावर जो है फ़ोटो फिर सारी फ़ीजबल हो जाए तो काफ़ी इसके अंदर आ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं कि बिल्कुल फिजबल हो गई है तो इसके लिए ये डिवाइस चाहिए सोलर सेल के लिए जो कि जिसकी अब मैं बात बताऊंगा कि कैसे उसको बनाते हैं कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं सो, सोलर एनर्जी और कैसे उसका आ, उसकी फिर लाइफ वगैरह के सारे जो केस हैं ना वो सारी इसमें स्टडी करना पड़ेगी कि, कि कितने अर्से तक की ये चलेगी ये पीरियोडिक टेबल है इसमें ग्रुप नंबर फोर में जितने भी है ना जैसे कार्बन सिलिकन जर्मेनियम स्टेन वगैरह ये सारे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये मटेरियल्स सोलर सेल के लिए लेकिन ये नहीं सिर्फ ग्रुप थ्री के एलोमिनियम गैलियम सिलिक इंडियम वगैरह ये भी और ग्रुप फाइव के फॉस्फोरस आर्सनिक एंटीमनी ये जो गुलाबी और थोड़ा तो डार्क गुलाबी में जो है ना ये एरिया जो है पीरियोडिक टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट है सोलर सेल के लिए और मुख्तलिफ किस्म की सोलर सेल इसमें बनाए जा सकते हैं मैं इस डिटेल में तो नहीं जाऊँगा ये कंपाउंड सोलर सेल्स के लिए है लेकिन इनको समझने अगर सिलेकन से सिर्फ एक कस्म की एक खास वेवलेंथ की जो वन पॉइंट फाइव ई वी जो होती है सूरज की जो शुवाएँ होती हैं वो वो कन्वर्ट होती हैं अगर लेकिन वो तो सिर्फ एक वेवलेंथ हुई ना वेवलेंथ तो पूरी पूरी आपके पास वो है विजिबल रेंज अगर वेजि पूरी के पूरी विजिबल रेंज करनी है तो फिर इनको कन समझना पड़ेगा कि कौन कौन से कंपाउंड इस्तेमाल करें कि इससे ये हो जाए उससे वो हो जाए उससे ये हो जाए तो अभी जैसे मैं बीस परसेंट की बात बता रहा था ना अगर ये तीन चार किस्म के सोलर सेल एक साथ लगाए जाएं तो फिर तो आप सत्तर अस्सी फीसद तक के पहुंच सकते हैं थियोरेटिकली पचास साठ फीसद तक पहुंचना कोई इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उसकी फिर कीमत की भी वो सारी चीज़ें कर, होती हैं लेकिन ये ऑप्शन है अवेलेबल यकीन कि अगर हम सिलिकन से हट बल्कि सिलिकॉन मिला के दूसरी और चीज़ों को भी लगा लें तो जो बहुत बड़ा वेवलेंथ रेंज जो है सोलर एनर्जी की वो कवर कर सकते हैं उससे हमारी एफिशिएंसी जो है वो बीस बीस फीसद की लिमिट से निकल के पचास साठ फीसद तक के चली जा सकती है